किसकी फोटो नहीं रोल है पूरा आगे रोल रोल है। डॉक्टर साहब आज ये जो शिविर लगाया ऐसा क्या इसका मकसद था आपका इसका उद्देश्य क्या था? ये प्रतिमा मंडल के माध्यम से एक हमने कैंसर जागरूकता शिविर और धन्वंतरी अस्पताल के माध्यम से लगाया है। हम लोगों तक ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि किस किस तरीके से हमें कैंसर से उपाय करने चाहिए और यदि कैंसर आता भी है तो उसे हम कितने जल्दी उपाय करके उसको जड़ से मिटा सकें और लोगों को कैंसर से जीत दे सकें। तो सब बढ़ती देखा जाए कैंसर एक आदमी बात की पता नहीं कर पाते लोग और बाद में मालूम चलता है कि वो जिंदगी बहुत दूर जा रहा है। तो इसका क्या लगता है कि क्या कारण है, क्या लक्षण होते हैं असल में? यदि बॉडी में कोई भी एक ऐसा सिम्टम, चाहे हम यदि बात करें ऊपर से चालू करें तो यदि जीभ के अंदर कोई छाला है या स्तन में कोई गठान है या हमें पेट में दर्द बना हुआ है या लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है या फिर पेशाब में खून आ रहा है जो कि आम तौर पर ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है और वो बढ़ता ही चला जा रहा है तो हमें निसंदेह उसमें एक शंका जाहिर करनी चाहिए और कैंसर से संबंधित डॉक्टर से सलाह तुरंत लेनी चाहिए। यदि हम उसको सलाह लेकर सही समय पे सही अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे तो डेफिनेटली हम उसको एक जीत के तौर पे कैंसर पे जीत दे देंगे। कैंसर के क्या है कारण, लक्षण क्या है, किस तरह होता है? देखिए जो कैंसर के मुख्य कारण है यदि हम बात करें तो उसमें एक तंबाकू का सेवन सबसे मुख्य कारण बनता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हमारे खाद्य पदार्थों के तौर पे भी जाते हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कोई अच्छा छाला बना हुआ है लंबे समय पे वो और नहीं भर रहा है तो वो भी एक मुख्य कारणों में आता है। कुछ कारणों में कुछ वायरस को भी देखा गया है जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तो वो ये सब कारण हैं जो कि कैंसर के। और एक अपने क्षेत्र में जैसे पॉल्यूशन की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है जिसके कारण वो भी एक मुख्य कारण बनता है। साथ में हमारी बॉडी में एक व्यायाम एक्सरसाइज जो कि एक मुख्य रोल अदा करती है, यदि हम सेडेंटरी लाइफ लेते हैं तो एक जो हैवी फैट डाइट ले रहे हैं या हमारे बॉडी में फैट का ज़्यादा है तो वो भी एक कारण बनता है कैंसर के लिए। उसमें ये जागरूकता शिविर के माध्यम से कैसे लोग अवेयर होंगे या कैसे किस तरह चलते हैं? हाँ जागरूकता ये सिर्फ इस कैंप के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें हमें छोड़ना चाहिए और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको जैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज हैं, अपने खाद्य पदार्थ अपने खाने के उसमें हमें फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए और जैसे हमारे में रेड मीट एक कारण बनता है कोलोन कैंसर का उसको कम मात्रा में हमें लेना चाहिए। काफी सवाल है जेके कैंसर इंस्टीट्यूट अपने काम कर रही है, क्या यहाँ पर भी ऑपरेशन की क्या सुविधा है? अभी तक तो यहाँ पर लगभग कैंसर जो कैंसर सर्जन है वो अभी अवेलेबल है नहीं। मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया है, जैसे ही सीट आती है तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के माध्यम से वहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी तो हम उसमें जरूर गरीबों की सेवा जो भी हमसे हो बनेगा वो हम गरीबों की सेवा के तौर पे हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। अभी तक तो वहाँ पर कोई कैंसर सर्जन नहीं है। मैम आज यहाँ जो शिविर लगाए कानपुर प्रेस क्लब में ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पर क्या उद्देश्य था आपका, किस लिए आपने किया? देखिए आजकल समाज में कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस क्लब में प्रेस परिवार के लोगों को और प्रेस क्लब के सदस्यों को जागरूक करने का एक अभियान रखा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों के पास समस्या जो है स्मोकिंग की है और ड्रिंकिंग की है। हम चाहते हैं कि हम लोग इस अवेयरनेस के प्रोग्राम से लोगों को थोड़ा सा जागरूक होकर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पीछे हों क्योंकि कैंसर का सबसे मुख्य कारण यही बन रहा है। आप सब लोगों की जो दिनचर्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा अनेबल होती है, सुबह से जगना रात में देर से सोना व्यायाम का कहीं पे भी कोई पार्ट नहीं होता है लाइफ में, इसलिए इन सब चीज़ों से आप लोगों को भी जागरूक करने का एक अभियान है ताकि सब लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी मिल सके और कैसे हम लोग इसको बचाव करना है इसकी भी जानकारी। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी सी एक बात बताई है जिसका हम लोग का एक कारण है।